मिल 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 रे बाप रे नहीं 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 अरे नहीं भाई। हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो फिर से स्वागत है तुम लोगों का एक और न्यू वीडियो में। आज हम जाने वाले हैं खेत पर, बारिश के टाइम पे क्या हो रहा है वहाँ, क्या नहीं हो रहा है हम देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। क्योंकि तो बारिश का टाइम है, मौसम साफ है, लेकिन फिर भी बारिश हो सकती है, इसलिए हम छाता रख रहे हैं, छतरी जरूरी है। तो मैंने अभी थोड़े आगे जाके बात करता हूँ, झाड़ू आ जाए वो मेरी जुल्फ है। हाँ, तो ये मेरा कुछ अच्छा नया लुक है जो कि आप लोग देख सकते हो इस वीडियो के लिए ओनली। ओहो ओहो ओ हाया। तो चलो हम चलते हैं खेत पे और आप सभी को मिलाएंगे ऐसे मजेदार कार्टून से कि आप खुश हो जाओगे और हमें शाबाशी प्रदान करोगे। कोई बात नहीं, मैं ऐसे बच्चों नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूँ, इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको हंसी आ जाए। अगर आपको हंसी नहीं आती तो कमेंट में जय श्री राम लिख देना, क्योंकि और कुछ आता ही नहीं है। हम अभी खेत पर तो पहुंच चुके हैं और 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 हम आपको दिखाएंगे कि क्या किस प्रकार हो रहा है। सबरा सामान दिखाएंगे हम आपको, बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखाएंगे। वहां पर ट्रैक्टर चल रहा है, हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही खतरा है और यहाँ पर धान लग रही है, आप देख सकते हो। तो चलिए हम आपको इधर कहीं किसान से मिलाते हैं। हेलो सर जी। हेलो हेलो, मेरा नाम है बाबुल और मैं आज खेत विजिट करने आया हूँ, खेत देखने आया हूँ, फौरन से आया हूँ। तो आप बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पहले तो आप कह रहे फौरन आए हैं आप, तो फौरन तो वो समय हो गया, दोपहर हो गई है। नहीं मतलब फौरन, मतलब बाहर से आए हैं। फौरन से आए, हाँ बाहर से आए। तो आने वाले सब बाहर से ही आते हैं, मेरा जहाँ तक मतलब एक तजुर्बा है, आने वाले बाहर से ही आते हैं। तो जब आप आ ही गए हो तो आप विजिट करिए, कुछ जानने को इच्छुक हो या कोई मन में अभिलाषा हो तो आप। अरे इच्छुक हैं आप, हम आपको मिलाएंगे। कुछ अजीब किरदार, कुछ बंद हुआ, क्या हुआ आपके मेहनती जो मेहनती कहते हैं ना इनसे। हाँ, मेहनती, मेहनत करने वाले, लेबर भी कह सकते, मेहनती भी कह सकते। हाँ, हमारे यहाँ लेबर कहा जाता है इसे। तो कितने कितने रुपया का एक आदमी है? ये 400 रुपए का एक व्यक्ति। और औरत कितने रुपये की है? वो दोनों सेम ही रहता है, लेडीज और चाहे जेंट्स, लेडीज बल्कि जेंट्स से ज़्यादा काम करके दिखाती है इस मामले में, क्योंकि ये महिलाओं का जो कमर वाला हिस्सा और ये सब होते हैं ना, ये एक परफेक्ट होते हैं इस काम के लिए, बल्कि इतना जेंट्स अपनी कमर को लूज नहीं कर पाते। अच्छा अच्छा, मतलब उन्हें करते करते नॉलेज हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है झाड़ू लगाते हो। जैसा अगर आप जाएंगे उधर तो एक बच्ची है 8-1 साल की, अब वो भी लगा रही, तो अब वो अभी से लगा रही है, तो आप देखेंगे उसको कि वो आने वाले समय में बहुत स्पीड से लगाने वाले हैं। ये पानी गिर गया तो ये गड़ा ओवर हो गया है, इसलिए हमको हमने वहाँ से इसमें छेद किया, थोड़ा और करना है। तो आप उनके पीछे चलते हैं, हम फौरन से आए हैं तो थोड़ा सा हमें इसका नॉलेज नहीं है, हमें यहाँ पर चलने का नॉलेज नहीं है। भाई साहब ने कहा था कि चप्पल नीचे निकाल लूँ, हमने चप्पल भी निकाल ली, अब हम जा रहे हैं इधर। आप लेट हो गए हैं, क्योंकि वरना यहाँ पर मछलियाँ थी इतनी बड़ी बड़ी मछली। मछली वो एक लड़के ने आपने बताया था, गिल्लू। गिल्लू क्या होता है? मछली की प्रजाति होती है, मछली की कई सारी प्रजातियाँ, जो मजबूत प्रजाति है, छोटी मोटी लोकल की प्रजाति होती है, गुल्लू हुआ और बहुत सारी होती है। मैं मछलियों के बारे में कम जानता हूँ क्योंकि मछलियाँ मुझे पसंद नहीं है जी, मतलब खाने में समझ सकते हो आप, खाने में पसंद नहीं है, देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन अब इसके लिए तालाब की ये सारी चीज़ें की मदद सेवा भी करनी पड़ती, इसलिए देख कर ही काम चला। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है आप, हम ये समझ लें सीधा सीधा। अब मछली पालन इस बार सोचा करने का, करेंगे। हुआ है हमारे पास, जो हमारे बुजुर्गों ने बनवाया था उसको हमने रखा है सेपरेट, उसको और अच्छे से मरम्मत करा करके अच्छा रखने का सोच रहे हैं, क्योंकि बुज़ुर्गों की निशानी अपन एक
अपने लिए कहेंगे एक सोच समझ लो फिर अपन बात करेंगे, तो रखते हैं उसके लिए मैं रखूंगा क्योंकि आने वाले समय भविष्य में आप थोड़ा सुनिए मेरी बात, आप जज्बातों को जलता जाए, जज्बाती ना हो जाए, इधर आइए आप, क्योंकि इधर चुल चुल की आवाज़ आ रही तो इधर आ जाइए, बहुत चुल की आवाज़ तो परमानेंट आती रहती है। हाँ तो मैं कह रहा था कि आने वाले जी मैं कुछ समझ गया, नहीं बहुत कुछ समझा, मतलब कुछ ही समझा हूँ तो ठीक है। हम पानी को लेकर के आप देख ही रहे होंगे, पानी हर घंटा आधे घंटे में बराबर गिरता है, तो मुझे ये लगाना पड़ता है, निकालना पड़ता है, इसलिए परमानेंट ये कैप है मेरा ऊपर। अच्छा, ये कैप है इसको, मतलब ये ऐसा लगता है बरसाती है। अच्छा तो ये पानी की बौछार आँखों में नहीं जाती, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को तो आप बड़ी आसानी से। और धान किस प्रकार लगाई जाती है यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। धान का पौधा आप देखेंगे कि मतलब एक एक बीता कह सकेंगे 8 से 10 इंची पर एक पौधा लगाया जाता है, और वो एक पौधे में आपको हैरानी होगी, एक पौधे में 20 से 25 पौधे हो जाते हैं, मतलब 25 गुना पेड़ ग्रोथ करता है, और अभी से लेकर के पूरे 4 महीने इनकी देखरेख करनी पड़ती है। अभी शुरुआत है, अभी आपको आपने देखा ही क्या है, दुनिया देखी तुमने, नहीं देखी अभी, नहीं देखी। आप काम करिए दादा, हम पूछते रहेंगे आपसे जब आप फ्री हमें दिखेंगे। मतलब कुल मिला के बात ये है कि हम दादा को फ्री नहीं बैठने देंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं जो जल्दी जल्दी, मतलब समझ रहा हूँ, चकड़ा निकल जाएगा अगर आप खप जाओगे तो। ट्रैक्टर है अपने पास, टोचन होती है और खिंचवा देंगे आपको। अच्छा हाँ। एक ट्रैक्टर जी है जी, तो कुबोटा से खतरनाक ट्रैक्टर रहेगा। यहाँ पर लड़ाई हो गई गाइस। तो सर यहाँ पर वो ट्रैक्टर चालू था वो अभी बंद क्यों हो गया? चलो चलते हैं अपन, चलाएंगे, चलो। थक जाते हैं व्यक्ति। अच्छा व्यक्ति थक जाते हैं, कंटिन्यू मशीन, मतलब उसमें तो बैठ रहे हैं तो फिर कैसे थक जाते हैं? पूरा माइंड का सेटअप जो होता है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, ध्यान देना पड़ता है। जी तो भाई साहब कह रहे हैं कि हम स्लीपर पहन कर ही गलत आए हैं, तो हम वहाँ पर रख देंगे ताकि हमें भी थोड़ा चैन मिले, ताकि देखो चप्पल चोरी। ये कौन सा रोग है, इसे रोग कहते हैं ना, कौन सा रोग है ये? ये है पैसा रोग, इसको हम लगाते हैं खेतों में, और लगाते क्यों, लगाते इसलिए पैसा, इसमें जितनी भी ये सारी मेहनत हो रही है ना, तो ये रोग है पैसा रोग, समझ गए? आपके वाला जो रोग है ना, वो एक मन में जो कीड़ा होता ना, कीड़ा वो वाला रोग है आपका, मन में एक अभिलाषा होती है कि मुझे ये करना है, इसमें पैसे वैसे वाला रोग नहीं है मेरे। अच्छा। मैं जहाँ तक जानता हूँ आपकी तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम है, लेकिन आपके अंदर कीड़ा जो है, आप यहाँ आ गए हो खेत पे अपना छाता लेकर के आए, और मतलब आ क्यों गए इतनी बरसात में, तो ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी रोग ही है, क्योंकि मैं ज़्यादातर करता नहीं हूँ, बट आया बस करो, रुलाओगे क्या? ओह गाइस, खुचा हुआ ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। भाई साहब कह रहे हैं कि ट्रैक्टर शायद खुस चुका है वहाँ, मतलब खुस क्या होगा चुका है सर, खप गया है, मतलब खप गया है, फंस गया है। अच्छा मतलब फंस गया है, समझ लो यार, क्योंकि कि मैं फॉरन आया हूँ तो फॉरन से, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ होता है, आप ऊपर नीचे से समझ लेना। हम चलते हैं वहीं पर। अब ये हाँ, ये जो पीला पीला घास दिख रहा है, पीला तो नहीं दिख रहा, येलो आपका चश्मा लगा हुआ है, हरा हरा दिख रहा है आपको हर समय सर, कारा दिख रही है, ब्लैक दिख रहा है, ये देखिए ऐसा लग रहा है सोया हुआ है। ये पेड़ ना सर, ये पेड़। अच्छा मतलब सो नहीं रहा है, उसे सुलाया गया है दवाई डाल के, समझ गया। आ रही हो चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ, ये सारो सुबह से चल रही है। I come in. थोड़ा इंग्लिश में भी, इंग्लिश बात हो गई आज तो, दिल खोल के मैं एसी बना लूं।
नहीं नहीं कपड़ा इकलौते हैं। एसी में कैसे नहा सकते हैं भगवान, मतलब इस ही में, इस गड्ढे में एसी, एसी में कौन नहाता है यार। सर यहाँ पर मौसम इतना शांत है कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और मेरे मन में एक हिलूर उठ रही है। हिलूर, व्हाट दिस हिलूर, कहता ना मन कहता है गुनगुनाने। ठीक है ठीक, नहीं कि मैं आप बोलोगे तो मैं गुनगुनाऊंगा, लेकिन अभी अंदर की हिलूर हिलूर कोई रोक नहीं सकता। तो हमें यहाँ पर नया बेड सीखने को मिला। निकल गया है सर, लू चुका ट्रैक्टर निकल गया है। यस सर, हम निकल तो गए। यहाँ से आप ऐसे हो जाएंगे, ऐसे कैसे सर? उस वाली पे चलते हैं, इस वाली पे। एक हाथ से दर्द कर रहा है। यस सर, थोड़ा सा पाँव भारी हो गया, पैर भारी हो गया। पुनी के लाड़ी के पैर भारी, तो वैसा कुछ फील हो रहा। मैंने चल रहा है साधवा, तो आप समझ सकते हो सर। आई मीन पैर भारी हो गया। अच्छा पैर भारी हो गया, पैर भारी। पानी क्यों निकाल रहे हैं सर? चुल चुल की आवाज फिर से यहाँ पर आ रहा है। सर तो पानी कम जा रहा है मोटर में, यहाँ से थोड़ा होशियारी बैठिए। सर बहुत बहुत सारा आराम से सर। ओ गाइस, हमें कुछ कोई बुला रहा है, तो हम वहीं जा रहे हैं। कृपया ट्रैक्टर की आवाज से आपको थोड़ी हमारी आवाज कम सुनाई दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, झेल लेना यार है, इतना तो झेल लियो। तो खतरनाक मुर्गा आया गाइस, गाइस हल्ला उल्ला हो गया गाइस। तो हमारा झाड़ू यहाँ पर रखते, झाड़ू सर सर मैं डूब गया सर, सर बचाओ सर, बचाओ सर, गल गया सर, सर जल्दी आओ, अरे सर नहीं, सर बचा लो, सही सर, सर टिकला रहा मेरे पीछे, सर सर तो पकड़ लो सर, सर बहुत बहुत घूम रहे। अरे सर इसको भी लेके घर जाओगे क्या? मेरे को पकड़ो ना, जल्दी आओ सर। हाँ बस 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 कुछ तो करो। गाइस गाइस जान बचे, सर भाग गया भाई, अरे सर सर निकलो पानी आओ सर, सर भाड़ा गई। ओह माय गॉड सर, सर जान बची, छतरा पाए। ओह बहुत बहुत स्वागत है आपका। छतरी लग गई है और हम बैठ गए, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं यार छतरी सर बस। अरे सर सर मैं आ रहा हूँ, सर सर बेटा सर सर मुंह पे डालो, सर सर पकड़ लेना सर, गिरने जाऊं सर, सर पेंट पड़ जाएगा सर, सर सर गंदी हो रही है सर। तुमने चेक की खड्डी है, पहले बैठ जाओ। अच्छा ठीक है सर, सर गिरा मत देना सर। अरे सही से बैठ जाओ, नहीं टपक जाओ। सर हालत खराब हो गई सर, बहुत भयंकर तरीके से। देखिए आप सर ऊपर से ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे सर आप? नहीं ये बोल रहे थे, इतना पानी कहाँ है? चलो सर
किधर से? पूरी मैयारी सर, ये सच्ची घटना है सर। अब बताइए, ये देखिए बस गाइस, उरी री हो गया हमारा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो बताइए क्या करना है। पूरी मैयारी।